जिंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन हमारी लाइफ के अंदर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, हमारी फैमिली के अलावा और कुछ नहीं होता। फैमिली से मुराद जो लोग हमसे ब्लड रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारी औलाद, हमारे फैमिली, माँ बाप, वाइफ, या वो लोग जिनकी हम केयर करते हैं, उनको भी हमारे हिसाब से फैमिली में ही कंसिडर किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हमारी लाइफ इंश्योरेंस सेल्स का उसी से रिलेटेड है। अगर हम उन्हीं की केयर नहीं करेंगे तो फिर आप किसकी केयर करेंगे? जितने लोगों के पास, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं गया, उसमें से 90% लोगों ने मेरे 22 साल एक्सपीरियंस में मुझसे यही कहा कि हमारी नीड लाइफ इंश्योरेंस की नहीं है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द डे हमने उनको नीड क्रिएशन उनके बारे में रियलाइज करवाई, तो वो उन्हीं लोगों को इग्नोर कर रहे थे जिन लोगों के लिए वो सुबह उठते थे, ऑफिस जाते थे, या अपने किसी भी काम पे जाते थे, मेहनत करते थे सारा दिन, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं लोगों की खुशी और उन्हीं के चेहरे के ऊपर स्माइल देखने के लिए वो सारी जिंदगी तगड़ो कर रहे थे। इस बात से ये बात क्लियर होती है कि आपकी नीड ऑलरेडी क्रिएटेड है। वो लोग जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन्हीं लोगों की जिम्मेदारियों से हम भाग रहे होते हैं। भागने से मुराद ये है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह आते हुए तूफान में अपनी सर को रेगिस्तान के अंदर, रेत के अंदर दबा के ये समझते हैं कि ये तूफान हमारे ऊपर से गुजर जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों ने बड़ा होना है, उन्होंने अपनी तालीम हासिल करनी है। अगर हम उनकी तालीम प्रॉपरली नहीं मैनेज कर पाएंगे तो वो एक इस बेहतरीन माशरे का अच्छा हिस्सा नहीं बन पाएंगे और कल को हमारे लिए ही गिल्टी और सेल्फ प्रॉब्लम्स बनेंगी। जब अगर हमारी बेटियां हैं तो उनकी शादी होनी है, अगर आप इस चीज़ को रियलाइज नहीं करेंगे पहले दिन से तो वो हमारी गलती है। एक सेल्स कंसल्टेंट जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए आता है, वो इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखता है। आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप इन बातों को पहले दिन से रियलाइज़ करना शुरू करें। अगर आपकी बेटी आपके पास अभी अल्लाह ताला ने आपको दी है और आपको 18 से 20 साल का टाइम मिलता है, 20 साल 25 साल, जब भी आप उसकी शादी करना चाहते हैं कि आप उसकी शादी के लिए इंतज़ाम करें और आपको सोशल प्रॉब्लम्स का पता है, सोशल इश्यूज का पता है, तो बजाय इसके कि आप उन 20-25 सालों को इंगेज करें, अपने आप को उस वक्त के लिए तैयार करें, बल्कि आप उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपको उसी का इंतज़ाम करने के लिए कहता है जो कि ऑलरेडी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने बूढ़ा होना है, आपकी एक रिटायर्ड लाइफ गुजरनी है, वो आपको उसके लिए अलार्म करता है, तो वो भी आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है। उसने आपके साथ जाके नहीं वहाँ पर रहना, लेकिन आप उस वक्त क्या करेंगे जब आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी, इतनी ज़्यादा पावर आज इनकार करने की नहीं होगी। उस वक्त एट द एज ऑफ 65 और 70 जब आप फिज़िकली इतने फिट नहीं होंगे जितने फिट आप आज हैं, तो फिर आप फाइनेंशियली किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे? आप आज मेहनत करके अपने 2000 मेहनत करते हैं और उसके बाद आपको उसका फल मिलता है और आप उसकी रोटी रोजी मैनेज करते हैं, अपना रेंट मैनेज करते हैं, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। लेकिन कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा फिज़िकल हैज़र्ड हो जाता है जिसकी वजह से आप नहीं फिज़िकली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते, तो फिर आपकी फाइनेंशियल नीड्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी। आपको इस बात को रियलाइज़ करना है, ये ज़िंदगी की वो हकीकतें हैं जिनसे आप गुजर नहीं सकते। बजाय किसी साथ के, somebody has to be with you and an insurance company is looking forward to stand with you tall. For example, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाता है, नाउज़ बिल्ला, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या फिज़िकली फिट हैं किसी भी जॉब के लिए? नहीं। लेकिन क्या उससे इसका मतलब यह है कि आपके एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, वो भी नहीं हो सकता। आपके बच्चों को भूख लगना बंद नहीं हो जाएगी, आपकी वाइफ के एक्सपेंसेस बंद नहीं हो जाएंगे, आपके घर का रेंट ख़त्म नहीं हो जाएगा, सिर्फ आप मज़ीद एक एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन जाएंगे अपने ऊपर। इसलिए अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, उनको आज से प्लान करना शुरू करें।
भले कम से कम परसेंट से प्लान करना शुरू करें, लेकिन करें। ये ज़रूरत है आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, जो लोग आप पे डिपेंडेंट हैं उनकी, क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर अगर एक भी मसला, एक भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, आपके अलावा और कोई नहीं होगा।